ब्लॉकबस्टर गया है। रिवार्ड लगा दिया भाई, एक्शन एक्शन मजा आ गया। नहीं। क्या बोलू, क्या देख लिया, शब्द नहीं अभी बोलने के लिए भाई। सब लोग जाके देखो, ये मूवी एक नंबर मूवी है। स्टोरी सुना के दिमाग खराब कर दिया। मतलब नेक्स्ट टू बाहुबली पिक्चर है। सालार इज मोर गुड देन डंकी। रियली प्राउड ऑफ हिम। ग्रेट कमबैक था एक्चुअली प्रभास के लिए। बाहुबली के बाद अभी थोड़ा डंका दिख रहा है। तीन फ्लॉप होने के बाद भी इतना स्टारडम, एक हीरो बहुत अच्छा लगा। सालार के बारे में अगर वन वर्ड रिव्यू करूँ ना, मास्टरपीस मूवी, एकदम ब्लॉकबस्टर गया है। रिव्यू और क्या देगा, सब तो इसने ही बता दिए। वैसे मतलब नेक्स्ट पार्ट के लिए एकदम एक्साइटमेंट है, देखेगा अभी नेक्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट डे फर्स्ट शो ट्राई करें एकदम से। आपको कैसी लगी, क्योंकि प्रभास को ये रूप में देखना, क्योंकि उनका जो पीछे की पिक्चर है आदि पुरुष का, तो इतना क्रिटिसाइज मिला था उनको, ऐसे पिक्चर लाना क्या बोले। आदि पुरुष के बाद मेरे को लगा नहीं था कि प्रभास ऐसे कैरेक्टर में आएंगे, क्योंकि उनका एक्शन पिक्चर ना बहुत टाइम हो गया। क्योंकि बाहुबली 2 के बाद ना उनका मैंने एक्शन पिक्चर एक भी अच्छे से देखा नहीं था। पहली बात तो मैं देखना चाहता था उनका एक्शन पिक्चर आएगा। सालार के लिए ट्रेलर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना रिलीज हुए, तो मैं सालार ट्रेलर देख के सोचा था फर्स्ट डे नहीं तो सेकंड डे पे आएगा ही आएगा। कल का तो टिकट नहीं मिल पाया था हाउसफुल की वजह से, नहीं तो आ गया रहता था कल ही। आप क्या बोलना चाहोगे, डंकी के साथ क्लैश करने के बाद भी इंडिया में फर्स्ट डे में 95 करोड़, वर्ल्ड वाइड 175 करोड़, पूरा रिकॉर्ड सबका ब्रेक कर दिया। जवान पठान जितने भी रिकॉर्ड थे सबको शटर कर दिया, क्या बोलना चाहोगे। नहीं, वो तो हम फैंस का ही मेहरबानी है, क्योंकि फैंस प्रवास को अपना अभी साउथ में ले लो, साउथ में तो उसका क्या मूवी फेस्टिवल जैसा बनाते हैं ना, वही है फेस्टिवल के उसके वजह से ही बना है एक तरफ से देखा जाए तो अभी इंडिया में तो। क्या लगता है कि आपको जिस तरह से प्रभास पहले जो बॉलीवुड एक्टर के साथ मतलब डायरेक्टरों के साथ में काम कर रहे थे, और साउथ एक डायरेक्टर के साथ में जो काम करते हैं, वो डिफरेंस हो जाते हैं, बहुत डिफरेंस होते हैं, क्या बोलना चाहोगे उसके। नहीं, देखा जाए ना बॉलीवुड डायरेक्टर्स में मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है मतलब, लेकिन साउथ में कैसा है, अगर हम लोग ने एक बनाया ना उसको फिर से देखते नहीं, उससे कुछ डिफरेंट बनाने का ट्राई करते हैं साउथ में तो वैसे है, तो उसके वजह से जब भी साउथ का पिक्चर बनता है वो ब्लॉकबस्टर तो होना ही रहता है। पार्ट 2 के लिए कितना एक्साइटमेंट है? हद से ज़्यादा। आउट ऑफ 5 कितना है? 4.9। भाई आग लगा दी एकदम, अब पार्ट 2 स्कोर अच्छा रहेगा देखना भाई। ऐसा क्या देख लिया पिक्चर में आपने? अरे भाई पूरी वाट लगा दिया भाई, एक्शन एक्शन मजा आ गया, मैं तक नहीं करो जो ऐसा है ना। अरे भाई बहुत डंकी देखा, डंकी में तो सही है लेकिन एक्शन बहुत अच्छा लगा इसमें, बहुत बहुत अच्छा लगा। प्रभास के बारे में क्या बोलना? भाई बहुत बंदा एकदम ना एकदम भाई, बॉडी इसके ऐसी मेरे को तो बहुत पसंद आया, दिल से बहुत बिल्ला लगा बंदा। अरे हाँ बहुत, वो ज़्यादा ही दोस्ती हो तो ऐसी ही, मजा ही नहीं कर रहा हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा। 8.5। भाई पूरा मतलब क्या बोलूँ, क्या देख लिया, शब्द नहीं है अभी बोलने के लिए भाई, एक नंबर मूवी थी। प्रभास तो भाई अपनी जान है भाई, एक नंबर एक नंबर। स्टोरी अच्छी लगी, फाइट्स अच्छे लगे, सब सिनेमैटिक। उन्होंने जो स्टोरी कंटिन्यू किया है ना स्टार्ट टू एंड, किधर भी ऐसा लगा नहीं कि मिस करना चाहिए कोई भी पार्ट। मैं तो सबको अर्ज कर रहा हूँ कि सब लोग जाके देखो, ये मूवी एक नंबर मूवी है। उसके लिए भी उन्होंने डायलॉग दिया है, उसके लिए एक नंबर बीटी दिया उन्होंने सबको, जो भी बोल रहे ना प्रभास इज फिनिश्ड, प्रभास हैज स्टार्टेड राइट नाउ, आई एम टेलिंग यू ऑल, प्लीज एवरीवन गो एंड वॉच दिस मूवी। इट्स प्री बुकिंग अगर रहेगा ना तो पहले टिकट मैं बुक कर रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ इसकी मैं। सर क्या बोलना चाहोगे, एक दिन में 175 करोड़, पठान, जवान, डंकी सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स तोड़ना ही चाहिए, जो मूवी जिस तरह बनाई है, जिस तरह स्टोरी है, ये तो कुछ भी नहीं था। अभी तो लोगों को बराबर देखा नहीं रहा ट्रेलर, इसलिए रहेगा जिस दिन ट्रेलर देखना सब लोग आके मूवी देखेंगे, एक नंबर मूवी। थैंक यू। एकदम पोगल पिक्चर है, स्टोरी स्टोरी सुना के दिमाग खराब कर दिया, बेकार है, खाली एक्शन अच्छी है बस और कुछ नहीं। पोकल हो रहा था, क्या करेंगे, दारू पी के आराम से देखना पड़ता पिक्चर। सर कैसी लगी पिक्चर? अच्छी है एकदम, बेस्ट पिक्चर है। एक्शन है, रोमांस है, काफ़ी कुछ स्टोरी है। मतलब नेक्स्ट टू बाहुबली पिक्चर है, मतलब इट इज सिमिलर टू बाहुबली मूवी। इट इज़ एक्सीलेंट मूवी। मूवी को कुछ इस तरीके से दर्शाया गया है कि मतलब इट इज़ अ नाइस मूवी, मतलब इट इज़ इक्विवेलेंट टू बाहुबली यू कैन से, मतलब वही लाइन में है मूवी, एक्सीलेंट मूवी है। प्रभास एकदम, ही हैज़ डन अ वेरी गुड रोल, एक्शन एंड इंक्लूडिंग ऑल रोल्स, मतलब ही हैज़ प्लेड वेरी वेल। पार्ट 2 इज़ वेरी नाइस, एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है एंड मुझे लगता है कि पब्लिक इससे ज़्यादा ही कई पार्ट 2 में होगी, क्योंकि दिस इज़ अ हाफ मूवी, नेक्स्ट मूवी है,
it is going to display many part of the question that is being left behind in this movie. Out of five, four. Sir, Dunki ke saath mein clash hua hai. Dunki ka jahaz ek din mein 30 crore ka, sir 95 crore hai. Kya bolna chahoge? Dunki movie actually maine dekhi nahi hai, but trailer se ye pata chalta hai ki matlab Salar is more good than Dunki. Yeah, thank you very much. अच्छा ही लगा फिल्म. प्रभास का बहुत अच्छा एक्टिंग था उसमें, तो रियली प्राउड ऑफ हिम. अच्छा था मूवी. क्या कहना चाहोगे आदि पुरुष को इतना क्रिटिसिज्म मिलने के बाद ऐसी पिक्चर लाना? ग्रेट कमबैक था एक्चुअली प्रभास के लिए. एंड प्रभास का एक्चुअली देखे तो वो बाहुबली वाला वो पूरा कैरेक्टर बाहर आ गया था, जैसा वो नाइफ से कट कर रहा था. सो रियली अमेजिंग, बहुत अच्छा था मूवी. क्या कहना चाहोगे फर्स्ट डे में 95 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड में 175 करोड़, पूरा रिकॉर्ड सेट कर दिया? या प्रभास से तो एक्सपेक्टेड था ही है. इसके लिए हम लोग भी फर्स्ट डे मिस कर दिए, लेकिन आज तो आना ही था. प्रभास से करके हम आए आज. पर टंकी के साथ क्लैश हो रहा है, फिर भी इतना मतलब ऐसा रिकॉर्ड ब्रेक करना, क्या बोलना चाहिए? शाहरुख खान अपने जगह और प्रभास अपने जगह. जो प्रभास का फैन बेस है उन लोग के लिए वो लोग आएंगे, और डंकी ऑफ कोर्स वो अपने जगह है, वो लोग अपना हैप्पी है, ये लोग अपना हैप्पी है. तो है पार्ट टू के लिए बहुत एक्साइटमेंट है. अभी जैसा ये लोग लास्ट सीन में दिखाए, अभी वी आर वेटिंग. आई गिव 4 स्टार्स. थैंक यू. अच्छी है भाई. मैं प्रभास तो अच्छा ही है ना, तो एक्शन हीरो ही है वो तो. मैंने बाहुबली के बाद अभी थोड़ा डंका दिख रहा है. मैं तो बीच में जो 2-3 मूवी में उसका लुक इतना खास नहीं था, इसमें थोड़ा लग रहा है कि प्रभास वापस एंट्री किया करके. आदि पुरुष तो वो तो मालूम है ना, वो तो अलग ही थी, उसका बात ही क्यों करने का. अभी कितना 6 महीना हो गया उसको. ठीक है, अच्छी मूवी है, मतलब एंटरटेनमेंट है. क्योंकि कैसा है ना, अभी कंटेंट वाली पिक्चर बनाओगे लोगों को सीख देने के लिए, तो लोग सीखते कुछ नहीं है, पिक्चर देख के भूल जाते. एक क्या सब एंटरटेनमेंट है, देखा एंजॉय किया अपना घर पे गया, बस बात खत्म. तो आगे लेना क्योंकि सीखने सिखाने वाली मूवीज तो पहले चलता था वो स्वर्ग जैसा, कि लोग इम्प्लीमेंट करते थे अपने ऊपर वो चीज़. आजकल कोई नहीं करता, थिएटर में देखा भूल गया. क्या कहना चाहोगे डंकी का क्लैश होने के बाद भी? मैंने एक्चुअली डंकी देखी नहीं है, उसमें भी कुछ तो मैसेज है बोलते हैं ना. वो तो अभी क्या बोल सकते ना, वो तो प्रमोशन में उन लोग के इतने कमाई लेते वो लोग ऑलरेडी. बाकी ठीक है, मूवी अच्छा है. पार्ट टू का देखो कुछ बताया नहीं इसके अंदर, बट देखते पार्ट टू क्या रहेगा. सेम वही बाहुबली जैसा ही रहेगा, जैसा पार्ट वन में देखो ना, प्रभास को मालूम नहीं था कि वो कहीं का राजा है. अब शायद पार्ट टू में वही रहेगा कि प्रभास को मालूम पड़ेगा कि मेरे पप्पा के साथ क्या हुआ था, अब मेरे को बिठाएंगे गद्दी पे. ठीक है, 3.5 सही है. बहुत अच्छी ब्लॉकबस्टर हिट, हर एक चीज़ मस्त है. सस्पेंस भी है, वायलेंस भी है, सब है. एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है सेकेंड पार्ट के लिए. प्रभास के बारे में क्या कहना है? आदि पुरुष के बारे में इतना हाँ, पिक्चर लाना एक बहुत अच्छा कमबैक बोल सकते हैं. बहुत अच्छा, जो 3 मूवीज प्रीवियस गई है उसके बाद बहुत अच्छा कमबैक है. और ऐसा लगा कि उनका एक्टिंग निखर के दिखा इसमें. और स्क्रिप्ट फिर से निकलने वाला है, और स्क्रिप्ट कहानी कॉन्सेप्ट एंड एक्टिंग एवरीथिंग सब मस्त है. एक दिन में 175 करोड़, डंकी के साथ क्लैश करने के बाद भी जवाहर पठान सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्या बोलना चाहोगे? मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, प्रभास ने जो बोलते ना स्टारडम पाया है, या फिर एक वैसा स्टारडम शायद ही किसी और एक्टर ने अपने करियर में पाया होगा. ठीक है, तो 3 फ्लॉप होने के बाद भी इतना स्टारडम, एक बोलते ना मेगा स्टार का एक इमेज क्रिएट करवाता है, तो मेरे ख्याल से क्लैश उतना इफेक्ट नहीं करेगा, और अगर किया भी तो उतना नहीं कर पाएगा. बाकी ऑल टाइम वो तो फैंस का प्यार है ना, उसमें तो अब कुछ नहीं कर सकते. वो फैंस का प्यार है, उसमें कुछ नहीं. कितना बहुत है, बहुत बहुत जो सस्पेंस क्रिएट किया है, और जो जो भी कॉन्सेप्ट लास्ट में, जो मतलब कहानी जो एंडिंग में समझती है ये, मतलब इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत अच्छे से जो है इसमें बताया गया है. फिलहाल तो 4.9 या 4.5. ओके ओके. मम्मी को पूछो. अच्छी मस्त मस्त एकदम. हीरो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा. कोई वो जब देवी बनता है ना,
उसमें बहुत अच्छा लगा, और है बहुत सारा है लेकिन बहुत अच्छी, मेरे को तो अच्छा लगा। भाई क्या बोलना चाहोगे सलार के बारे में? देखो यार, सलार मूवी देखने के बाद ना मुझे ना एक बार और देखने का मन कर रहा है यार। मतलब कि क्या बोलूँ मैं सलार के बारे में, 2018 21 दिसंबर यहाँ पे रिपीट हो गई है। आपको बता दूँ कि सलार उस वक्त KGF 0 रिलीज हुई थी, और यहाँ पे सलार और डंकी रिलीज हुई है, जो कि डंकी 21 को रिलीज हुई है, ये 22 को हुई है। और एक और आपको बता दूँ, वो लोगों को कम होगा, उस वक्त ना एक्वामैन रिलीज हुई थी और आज एक्वामैन 2 रिलीज हुई है। तो वो इतिहास जो था ना यहाँ पे दोहरा गया, बोल सकते हैं एक तरीके से कि जो डंकी को ना ये मूवी पूरा खा गया, फुल खा चुका है यहाँ पे। और डंकी मूवी आज से ड्रॉप हो गया, जो मेकर्स लोग कर रहे थे ना ड्रॉप 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3, उनको पता था कि 22 तारीख को ये ड्रॉप ही होने वाला है। और सलार की बात कर रहे हो ना आप, सलार के बारे में अगर 1 वर्ड रिव्यू करूँ ना, मास्टरपीस मूवी, फुल एक्शन सिक्वेंसेस, फुल मसाला पैकेज मूवी है। प्रभास सर को बोलते हैं रेबेल स्टार, मैं बोलूँ ना रेबेल स्टार इज बैक आफ्टर बाहुबली के बाद, क्योंकि उनकी जो 3 फिल्में थी ना, राधे श्याम, आदि पुरुष और साहो, मैं तो बोलूँ ना प्रभास सर को आप ना सिर्फ साउथ के डायरेक्टर के साथ काम करो, बॉलीवुड में मत आओ। ओम राउत ने आपकी जिंदगी का झंड कर दिया था, जिस तरीके से उनको ट्रोलिंग किया गया था आदि पुरुष के बाद, मतलब कि ओम राउत गायब हो गए, कहाँ हो भाई, वो छिप ही गए हैं। तो हम इस बार ना प्रशांत नील जो उनको प्रेजेंट किया ना जिस लेवल में, भाई वो जो सिगरेट जलाता ना ऐसा करके बंदा, और माँ का सब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। वो सीन पे ना मैं सीटी और ताली बजा रहा था, और मैं अकेला नहीं बजा रहा भाई, मल्टीप्लेक्स में जो ऑडियंस थी ना हमारे आगे पीछे, वो लोग सीटी ताली बजा रहे हैं। और आप सोच सकते हो कि मल्टीप्लेक्स जैसा थिएटर में जब सीटी ताली बज रही है तो सिंगल स्क्रीन का माहौल क्या होगा। तो मूवी अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ में पूरी स्टोरी उन्होंने जिस तरीके से घुमाया, कन्फ्यूज किया प्रशांत नील ने, मतलब कि यार दिमाग का नस है ना आपका ना फट जाएगा, सिर्फ सोच सोच के क्या चल रहा है भाई, अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसके बाद जो भाई वो जो इंजन स्टार्ट होता ना गाड़ी बन बन जब सब बांधते हैं, वो भाई वो तो अनोखा चीज़ था। मतलब कि सीन में ये नहीं बोल सकते हम लोग कि यार ये KGF का ये कॉपी है या KGF जैसी फील आ रही है, ये जो लोग बोल रहे हैं वो चूतिया है भाई। वो लोगों को ना दिमाग उमाग है नहीं, उन लोगों के पास सिर्फ वो हेड फैलाने आ रहे हैं, उनको पता है। और वो मानो कौन है, वो शाहरुख खान के फैंस है, मैं मुँह पे बोल रहा हूँ, जितने भी नेगेटिव रिव्यू आ रहे हैं ना वो सब SR के फैन है। वो सिर्फ चाह रहे कि अरे डंकी रिलीज हुई है जितना नेगेटिव फैला सको, अरे यार मूवी है आप स्टोरी खोज रहे हो, मूवी अगर सब बोल रहे कि स्टोरी नहीं है मूवी में, मैं आपको बता दूँ कि ये Part 1 सीज फायर है, उन्होंने पहले लिख दिया है पोस्टर में Part 1 है, अभी Part 2 आना बाकी है। KGF क्या था, Part 1 था, वो भी Chapter 1 था, वो उन्होंने भी अधूरा छोड़ दिया था कहानी, यहाँ पर अधूरा छूटा है कि कौन किसको मारा, किसके लिए मारा, क्यों मारा, कौन बेटा किसका, कौन भाई है, बहुत सारे कन्फ्यूजन जो बना के छोड़ दिया इन्होंने Part 2 के लिए। आप जब Part 2 देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि Part 1 क्या था। तो यहाँ पर आप स्टोरी की बात करो तो उन्होंने सिर्फ स्टोरी बनाने में ना 3 घंटा निकाल दिया, और एक्शन सिक्वेंस जितने भी है भाई रोंगटे खड़े कर देते हैं। अरे यार वो एक सीन है जब ये तलवार से काटते हैं ना, वो जो बोलती ना काली माँ दुर्गा माँ बोलते हैं, वो जो जब ऐसा तलवार मारते हैं ना, जो पीछे से सीन आता ना भाई, फुल गुजबम सीन था। मतलब यार कहाँ से ये सब सोचते हो प्रशांत नील, और ये सोचना सिर्फ प्रशांत नील ही सोच सकते हैं, क्योंकि वो मास्टरपीस मूवी बनाते हैं और वो एक लेजेंड डायरेक्टर हैं वो, और आगे जाके वो एक अलग स्टोरी क्रिएट करने वाले यही मूवी को लेके Part 2 देखना आप, बहुत चीज़ सरप्राइज मिलने वाला। और एक और वर्ड बोलना चाहूँगा आपको कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि यस का नाम यूज़ किया गया इसमें, मैं बता दूँ कि यस जब जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो वो यस का नाम आता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि इसमें यस है, उसने सिर्फ बोला है थैंक यू सो मच करके लिखा। तो उन्होंने कुछ हेल्प किया होगा उनको, जाहिर सी बात है जब सलार की शूटिंग चल रहा था वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे वो यस, तो इसमें यूज़ करने की बात नहीं। हाँ ये बोलते कि स्पेशल रोल है इनका, ऐसा कुछ लिखते हैं तो हम बोल सकते थे कि चूतिया बनाए इन्होंने, उन्होंने तो साफ लिखा ना भाई थैंक यू कहा उन्होंने, तो इसमें ये नहीं बोल सकते हम यस। ये KGF से ना है ही नहीं अटैच, ये मूवी अलग है वो मूवी अलग है। तो मूवी पैसा वसूल है, अब इस मूवी के लिए 250 दो 500 दो मल्टीप्लेक्स में या 300 रुपये खर्च करो, आपको फुल पैसा वसूल होने वाला। क्या बोलना चाहोगे कि शाहरुख खान के लिए एक नाइटमेयर हो गए प्रशांत नील, क्योंकि वो जब भी आते हैं शाहरुख खान की पिक्चर, ये चीज़ तो शाहरुख खान को सोचना चाहिए था ना, या राजकुमार हिरानी को सोचना चाहिए था कि भाई 2018 दिसंबर को जब शाहरुख खान की मूवी 0 आई थी, KGF आई थी, तो 0 को करीब 4,500 स्क्रीन पर रिलीज, मतलब मेरे को सही से याद नहीं है, मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, 4,000 स्क्रीन मिला था और KGF को 1500 मिला था, लेकिन सेकेंड डे क्या हुआ था, उसको बढ़ा दिया गया, इसको कम कर दिया गया, तो यहाँ पे वही हो रहा है। अब देखो कि अभी डंकी का जो सोच है वो कैंसिल भी हो रहा है, मैंने आज पढ़ा भाई ट्विटर पे, मैंने देखा डंकी के बहुत सारे सोच कैंसिल हो रहे हैं, और सिंगल स्क्रीन पे तो 100% सोच कैंसिल हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि इतिहास दोबारा से क्रिएट हो गया यहाँ पे, और प्रशांत नील इस बार फिर से बाजी मार दिए, वो कोई काम नहीं आएगा ना भाई,
बजट नहीं है ना मूवी के पास यार, अब ऑलरेडी एक्सपोज हो गए वो, क्योंकि दो दिन पहले ट्विटर पे देखा कि बहुत सारे थिएटर का लिस्ट आ रहा था कॉरपोरेट, यहाँ तक कि स्कैम करके ट्रेंडिंग हो रही है, कॉरपोरेट बुकिंग ट्रेंडिंग हो रही है सोशल मीडिया पे, तो वो लोग समझ में आ गया कि सोशल मीडिया पे बहुत नेगेटिव फैलाई जा रही है, तो इस बार हम लोग थोड़ा बच के चले। और कहीं ना कहीं अगर आप एक ही मूवी के पीछे सारे पैसे खर्च कर दोगे तो मेकर्स को पता है कि इसका बजट कम है, 150-200 करोड़ जो भी बजट है, अगर हम इस पर 500 खर्च कर लेते हैं तो यार फिर मज़ा नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात होती है कि जवान पठान में आप देखो उनको जो कॉरपोरेट बुकिंग उन्होंने किया था पहला दिन, उनको फायदा हो गया था क्योंकि पब्लिक फिर भर भर के आई थी, लेकिन यहाँ पर पब्लिक खाली हो गई क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव रिव्यू आ गए भाई, पॉजिटिव रिव्यू नहीं आए। जब आपकी ऑडियंस नेगेटिव पे आ जाती है ना तो आपको कॉरपोरेट भी काम नहीं आता यहाँ पे। क्या बोलना चाहोगे कि जिस डंकी ने जो गेम खेला है जी, मल्टीप्ल स्क्रीन को लेकर जिसे उनमें देख लो ना आप, कल शाम 5 बजे ओपन हुई, अगर आप सोचो 5 बजे ओपन हुई है अभी भी 6 बजे का शो हाउसफुल है, नाइट शो हाउसफुल है, अब अगर यही चीज़ 4 दिन पहले खुल जाती तो जो सुबह खाली था जो भी 1000-2000 सीट है ना, मान लो कि 500 खाली था, वो 500 ना खाली देखने को नहीं मिलता आपको, वो फुल होता, लेकिन फिर भी 24 घंटे में इसने अच्छा खासा बेडअप लिया है और अच्छा खासा बुकिंग किया है, बाकी सिंगल स्क्रीन सारे जगह हाउसफुल है। तो ये मूवी कहीं ना कहीं जो स्क्रीन को लेकर जो झगड़ा चल रहा था वो जो मल्टीप्लेक्स वाले हैं उनको गलती है, चलो आज आप शाहरुख खान की मूवी को ज़्यादा स्क्रीन दे रहे हो, कल हो सकता है आपकी पुष्पा 2 आ रही है शोर से, उसको उसके लिए तो लड़ोगे भी, अरे यार मेरे को चाहिए पुष्पा, उस वक्त कहाँ जाओगे आप। और ये जो डिस्प्यूटर है इनके, आप फिल्म्स वाले वो बड़े बड़े फिल्म डिस्प्यूट करते हैं, अगर बाहुबली को कोई लाने वाला तो यही बंदा लाने वाला है आप फिल्म्स, तो आप इसके साथ अगर आप गद्दारी करोगे तो आगे जाके बड़ी बड़ी फिल्में जब ये डिस्प्यूट करेंगे तो उस वक्त आपको नहीं देंगे, फिर आपको जो पैसे कमाने का जो भी मौका मिलेगा गंवा दोगे आप। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज में ना आप ये मत देखो हमारा वो साउथ इंडस्ट्रीज है ये बॉलीवुड इंडस्ट्री, मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि हम लोग इंडियन सिनेमा की तारीफ करते हैं क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे हैं हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो इंडियन सिनेमा है उसको इंडियन सिनेमा की नज़र से देखो, आप तो यहीं पर बंटवारा कर रहे हो देश को, तो देश को बांट रहे हो आप लोग इस बोल के कि वो साउथ है हम तमिल है हम नॉर्थ है, तो इसमें ये ऊपर नीचे नहीं देखने का, आप बराबर देखो सबको बराबर स्क्रीन देखो, अब देख रहे हो पब्लिक का ये जो होता है ना पावर, पब्लिक पावर ऑडियंस पावर वो दिख रही है भाई, क्योंकि इस सलार का जो पॉजिटिव रिव्यू आ रहा है ना और पब्लिक देखना इसको ना स्क्रीन दिला के रहेगी, कश्मीर फाइल उसका मिसाल है भाई, 350 स्क्रीन पर आया 4000-2000 स्क्रीन लेके चला गया, तो यार हो सकता है पब्लिक बहुत बड़ी चीज़ होती है, पब्लिक के आगे कोई नहीं है, जितने बड़े नेता आ जाएँ एक बार मोहर लग गया वही है नेता, जिसका मोहर नहीं लगा वो कोई नहीं है वो आम आदमी हो गया। अरे जी उनके फैंस लोगों ने आपको धमकी दिया कुछ उल्टा भी बोला, तो क्या बोलना चाहोगे उस चीज़ के लिए? मैं आपको बताता हूँ कल का एक्सीडेंट जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, जैसे ही रिव्यू करके मैं यहाँ पे बैठा हुआ था तो मतलब पूरा फैंस से घेर लिए मेरे को, ऐसा लग रहा था मेरे को आज ये लोग ना शाहरुख खान के घर पे ही लेके जाएंगे साथ में, बोले यही वो बंदा जिसके नेगेटिव फैला रहा है, तो वो बोला भाई तू नेगेटिव क्यों पर रहा, तेरे को मूवी अच्छी नहीं लगी तू क्यों बोला ऐसा, तो मैं बोला भाई मेरे को खुद का मैं पब्लिक हूँ ऑडियंस हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगा मैं अपने खुद के ओपिनियन रखा, मेरे को बुरा लगा बुरा बोलूँगा, तो एक बंदे ना एटीट्यूड में पैसा निकाल के दे रहा, बोले कितना 170 रुपया ये ले, मैं बोला पैसा अपने पास रख भाई, मतलब कि इन लोग बोल रहा कि तू जबरदस्ती पॉजिटिव रिव्यू दो, चलो मान लो मैं जबरदस्ती आप मैंने मेरा कालर पकड़ के या मुझे 2 चमाड़ मार के पॉजिटिव रिव्यू मरवा दिया, आपसे भी मरवा दिया अगला से भी मरवा दिया, लेकिन 200-300 करोड़ को कालर पकड़ा आपने पॉजिटिव रिव्यू कर दिया, लेकिन देश की आबादी कितना है 130 करोड़, चलो मान लो पूरी मूवी नहीं देखती है 2 करोड़ लोग मूवी तो जरूर देखते होंगे देश में, आप कितने लोगों को कॉलर पकड़ोगे 100-200 हज़ार, लेकिन बाकी के लोगों को मुंह बंद कर दोगे, चलो आप मुंबई में मुंह बंद कर दो, दिल्ली लखनऊ सिर्फ मुंबई से कमा रही है 2000 करोड़ या 1000 करोड़, कि पूरी देश से आपकी मूवी कमा रही है, तो ये चीज़ गलत है, कोई भी फैन हो चाहे सलमान हो शाहरुख खान का फैन हो, जो आप लोग करते हो ऑडियंस के साथ कॉलर पकड़ते हो और जब रिव्यू देते हो तो ऐसे खड़े सामने हो जाते हो ऐसे उंगली दिखाते हो, मैं देखा हूँ ये सब चीज़ महसूस किया हूँ, ऐसे पूरा आँख दिखाएगा तू अच्छा ही बोल, कल का ही एक अंकल रिव्यू दे रहे थे एक फैन वही फैन जाके ऐसे खड़ा होकर उसको आँख देख रहा, मतलब कि पूरा एटीट्यूड में देख रहा पूरा उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन था ना वो दिखा रहा वो, तो ये सब चीज़ें गलत है, और आप अगर किसी के साथ गलत करोगे तो वो चीज़ आपके ऊपर आएगा, और मेरा जो हाय ना दिल से लगा कल क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत सताया कल, तो मैं दिल से बद्दुआ दिया कि ये मूवी फ्लॉप हो डिजास्टर हो, मैं आज भी बोलता हूँ डिजास्टर हो, क्योंकि ये जबरदस्ती नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी को बोलो कि मूवी अच्छी है तो अच्छी बोलो या बुरी है तो उसको फिर से अच्छी बोलो, ऐसा नहीं है भाई, मूवी अगर अच्छी रहेगी तो मैं अच्छी बोलूँगा, जवान और पठान को मैंने अच्छी कही थी लेकिन आपने कभी मेरे को अप्रिशिएट नहीं किया, उस वक्त भाई बहुत अच्छा गले लगा लिया, अरे एक नंबर भाई सिकंदर आपने तो बहुत अच्छा बोला मज़ा आ गया, उस वक्त तो नहीं आए थे ना आप, जब मैं अच्छा बोलूँगा उस वक्त कुछ नहीं है बुरा बोलूँ तो भाई उंगली दिखा रहे हो, तो
आइंदा ध्यान रखना शाहरुख खान की, अभी इसके बाद वो संन्यास नहीं ले रहे, घर पर नहीं बैठने वाले, नेक्स्ट मूवी आने वाली है, तो आइंदा वो मैं, आज मैं था, कल हो सकता कोई मेरे से बड़ा आदमी हो, कोई अच्छे पोजीशन वाला आदमी हो, अगर आप उसके ये सब करोगे तो दो तीन चमाट मारेगा और गेटी से ले जाकर शाहरुख खान के घर तक मारते मारते लेके जाएगा। तो ऐसा चीज़ आप शरीफ लोगों के साथ करोगे, लेकिन जो हरामी टाइप का होगा उसके साथ तो आप बिल्कुल नहीं करोगे, मैं यही बोलना चाहूँगा। लगेगी मेरे जैसे जी कहाँ से आएगी भाई, आप जबरदस्ती पब्लिक को उंगली दिखाओगे, अब आज उंगली उंगली के दम पे करो, कल लाठी चार्ज कर दोगे पब्लिक पे, बोले अच्छा बोल अच्छा बोल, तो ये चीज़ क्यों, ये चीज़ आप स्टार के लिए कर रहे हो ना, तो वो चीज़ आपको दिल से हाई लगेगा ना। आप किसी को चमाट मार के पॉजिटिव रिव्यू करवाओ, चलो वो डर से तो बोल देगा हाँ मूवी अच्छी है, लेकिन वो दिल से तो नहीं बोल रहा ना, तो दिल से जो आवाज़ निकलती है ना भाई, वही सही होती है। वेलकम।